हाल ही में RBI ने EMI को लेकर एक घोषणा करी, जिसमें आने वाले 3 महीनों में EMI पर छूट दी जाएगी। वहीं RBI की इस घोषणा पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। RBI गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बैंकों को तय करना है कि वो आम लोगों को EMI पर छूट दे रहे हैं या नहीं। RBI के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को 3 महीने के लिए EMI भरने के नियमों में छूट दी थी। आपको बता दें कि अगर आप EMI किस धारक हैं और आप बैंकों द्वारा EMI में दी जा रही छूट के फैसले से खुश हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बैंकिंग एक्सपर्टों की माने तो बैंकों द्वारा दी जा रही EMI भरने की छूट से भले आपको तत्कालीन फायदा हो जाए, लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि नुकसान कैसे होगा, यह हम आपको बताते हैं। आर्थिक खबरों की वेबसाइट मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने तक अगर आप EMI नहीं भरते हैं तो बैंक से ज्यादा आपको नुकसान होगा। 3 महीने बाद बैंक आपके भरने वाली जो तय रकम है उसे बढ़ा देगी। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको 3 महीने तक 5,000 EMI देना है तो अगले 3 महीने की कुल EMI की राशि 15,000 हुई। बैंक अगर आपको 3 महीने की छूट देती है तो अगले 3 महीने बाद बैंक आपसे यह राशि एक साथ वसूल करेगी, साथ ही उस पर लगने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। यही आप अगले 3 महीने बाद एक साथ EMI की मोटी रकम भरने में असमर्थ हुए तो आप पर लेट पेमेंट चार्ज लग सकता है। इसके साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे जाएगा। RBI के अनुसार ग्राहकों को EMI चुकाने में बस थोड़ा समय देने की अनुमति बैंक से की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह EMI आपको 3 महीने बाद एक साथ चुकानी पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि RBI ने बैंकों को EMI पर कोई क्लियर आदेश नहीं दिया है। RBI ने सिर्फ EMI नहीं वसूलने की सिर्फ सलाह दी है। SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि EMI में छूट देने पर SBI को प्रत्येक महीने 60,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर 3 महीने की छूट मिलती है तो बैंक के पास 1,80,000 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप EMI नहीं भरते हैं तो आने वाले समय में बैंक दूसरी चीजों में ब्याज दर बढ़ा सकती है या पैसा जल्द से जल्द वसूलने के लिए EMI के अलावा किसी और नियमों में फेरबदल कर सकती है, यानी कि घुमा फिरा के जनता पर ही भारी बोझ पड़ने वाला है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।